गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों करीब 7 बज चुके हैं और मैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, कल मैंने आपको बताया था मौसम ख़राब हो चुका था और आज देखिए पहाड़ों में फिर मौसम गुलजार हो चुका है और पहाड़ की फिजाओं में इस समय काफ़ी सुनहरी धूप खिल रही है। दोस्तों ये देखिए, कल रात जो बारिश हुई थी उसकी वजह से पूरा मौसम आज सुहावना हो चुका है। आज मौसम साफ होने की वजह से यहाँ पर हल्दी सुखाई जा रही है। देखिए दोस्तों ये देखिए, आज गांव पे एक पोकलैंड मशीन आई हुई है और ये नीचे कहीं काम पे जा रही है, कहीं पर रोड फिटिंग का कार्य इस पोकलैंड मशीन के द्वारा किया जाता है। देखिए आगे से वो अखबार पढ़ पढ़ शाबाश शाबाश पढ़ते रहो। दोस्तों पहाड़ों में करीब करीब 10 बजे के आसपास पेपर पढ़ने को मिल जाता है और ये देखिए समाचार पत्र की दुकान है और ये हमारी स्थानीय मार्केट। दोस्तों देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर जो बंदरों के द्वारा फल गिराए गए थे उनका सेवन किया जा रहा है। दोस्तों कल मौसम ख़राब होने के कारण आज सभी लोग छुट्टी पे हैं और इनके द्वारा अभी भोजन बनाया जा रहा है यहाँ पर और सारे लोग लगे पड़े हैं। इनके कुछ साथी आज दीपावली की छुट्टी में घर चले गए हैं और काफ़ी साथी आज निकल चुके हैं घर को। देखिए लकड़ी का भी इंतज़ाम इनको करना होता है और मैंने इनको फाइनली पेड़ बता दिए हैं। वो गिरा है सामने पेड़, हाँ बांस का है वो। इनके द्वारा आज भोजन के लिए लकड़ियाँ लाई जा रही हैं और मैं इनको ऊपर रह गया हूँ, गिरी हुई लकड़ियाँ हैं इनको उठाया जा रहा है। दोस्तों देखिए ये जलौनी लकड़ी है और इनके द्वारा ले जाई जा रही है यहाँ पर, ये कई साल से यहाँ पर गिरी हुई थी। दोस्तों देखिए इनके द्वारा पाई गई लकड़ी फाड़ जा रही है यहाँ पर, इनके द्वारा लकड़ी फाड़ ली गई है। क्या खा रहे हो भाई? सेहत के लिए खा रहे हैं आपने? सेहत के लिए। अच्छा डेली खाते हैं? डेली खा रहे। तगड़ा हुआ है तू भी, तो हड्डियाँ दिख रही तेरी भी। दोस्तों ये देखिए, कल बारिश के कारण हरी घास जो है सूख नहीं पाई थी मौसम ख़राब के कारण। ये देखिए इसको यहाँ पर आंगन पर सुखाया जा रहा है। देखिए गांव में धूप जो है लेट आती है और मकानों की वजह से काफ़ी वहाँ पर छाया बनी रहती है, तो इसलिए जहाँ पर धूप आती है उस क्षेत्र में घास को सुखाने के लिए डाला जाता है। हाँ भाई क्या ला रहे हो? ये याद कर रहे, तुम्हारे साथ ही याद कर रहे हैं यार। चलो अच्छी बात है। ये भी घर जा रहे हैं ना दीपावली में। अच्छा अच्छा, इनको दिखाओ बढ़िया वाली चटाई। देख लो कितने की दे रहे हो। हेलो, इसमें भैया अलग अलग साइज है, रेट भी अलग अलग है। कितने कितने साइज के हैं ये? 6x6 का है, 6x9 का है। 6x6 का कितने का दे रहे हो? वो भैया 350 का है। और 6x9 का? वो 5.5 का है। और ये था 180 वाला तो खत्म हो गया। अच्छा ये नीचे ये मैट है, ये डोर मैट? हाँ डोर मैट। ये कितने की दे रहे हो? ये देता 250 का है। अच्छा चलो भाई आ जाओ, आ तो इनको सबको तनख्वाह मिली है और घर भी जा रहे हैं आज। ये सब ये देख रहे हो, नाना धोना इनका, तेल मालिश चल रही है आज सबकी ये। चलो ठीक है, और कल को घर जा रहे हैं दीपावली में। ये क्या पैसे हैं इसके? ये भैया 350 का बतावा कर। माल तो अच्छा लाए हो यार, यार तो वैसे ही उत्तराखंड में ही है। अरे उत्तराखंड के हो तुम? हाँ। ये भी तो उत्तराखंड के बगल में रहते हैं। ये तो बिहार के करके लगा देंगे और क्या है। अपने जैसे बताया ना जितना का तो हमारे खरीद भी नहीं होगा भैया, उसमें तो उतना का भैया हमारा खरीद भी नहीं है। नहीं भैया तब करवा दे, बोनी करवा दे यार। पढ़ने आए हो तो 2-4 पैसे तुम्हें भी चाहिए, तुम घर छोड़ के यहाँ तक आए हो, मैं भी घर छोड़ के यहाँ तक आए, 2 पैसे मेरे को भी चाहिए। ये थोड़ी कह रहा हूँ एक चटाई में मेरे को 500-1000 मिले, ऐसा तो नहीं। सही कह रहे हो, पैसे मेरे को भी मिलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किराया भरा डाल के दादा यहाँ तक पहुँच रहा है, मेरे को 350 तक पहुँच रहा है, कभी 2 रुपये कम कभी 2 रुपये ज़्यादा। सही है सही है, रेट सही लगा रखे आपने। देखिए दोस्तों
क्रेता और विक्रेता दोनों की आपस में रेट्स नहीं बन पाई है और ये फाइनली दूसरी जगह जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मौसम साफ होने के कारण यहाँ पर काफ़ी कार्य साथ साथ हो रहे हैं और दीपावली भी नज़दीक आ रही है। ये देखिए, इसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं, अपन के कार्य इन दिनों घरों में चल रहे हैं। देखिए उत्तराखंड में ऐसे पंडाले जाते हैं। देखिए लक्ष्मी के पाँव बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये ऊपर लक्ष्मी के पाँव बन रहे हैं ऊपर को। ये देखिए फुर्सत की इन क्षणों में इन मज़दूरों के द्वारा आज काफ़ी अच्छी तरीके से भोजन बनाया गया है और ये मदमस्त तरीके से खाना भी खा रहे हैं और इनके द्वारा नहाना धोना, साफ़ सफाई और कपड़ों की धुलाई, ये सब कार्य आज किए गए हैं। ये देखिए सारे जितने भी ये कपड़े दिख रहे हैं ये सारे इन मज़दूरों के हैं और इनके कुछ साथी आज दीपावली पर घर गए हैं और कुछ साथी अभी पहाड़ की दीपावली मनाएंगे। बोली बोलिए कि औरन को सीधर के प्रभु आपो सीधर हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और बोलो ना, और बोलो, और क्या जितना ज्ञान आता है तुमको बताओ। ज्ञान बच्चों तो बहुत है, बताओ ना भाई। ज्ञान तो आता है, ऐसे में तो ज्यादा ज्ञान आता है। कोई बोलेगा उसी तरीके से बोल देंगे। अच्छा गाना मैं जानता नहीं जानते हो भजन सुनाए दो तुम। भजन भी नहीं जानते गाना। अरे कहना क्या चाहते हो। ये जो घास दिख रही है आपको, ये कल भीग गई थी और आज सूख गई है और इसको यहाँ अंदर रखा जा रहा है। ये देखिए इस ओखली की भी फाइनली सफाई कर दी गई है और दीपावली में यहाँ पर धान के चूड़े कूटने का रिवाज होता है पहाड़ों में। दोस्तों आज मैंने आपको पहाड़ का बिजी शेड्यूल दिखाने की कोशिश की है मेरे इस ब्लॉग में और पहाड़ों में लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए पूरे अपने दिन भर के क्रियाकलापों को निपटाते हैं और फाइनली शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं। लोग अब खेतों से धीरे धीरे घर को आने लग गए हैं और अंधेरा होने को है अब। फाइनली दोस्तों इनका भोजन तैयार हो चुका है और रात के 7:30 बज चुके हैं और चाहे मैदान के किसी भी क्षेत्र का आदमी हो उसको पहाड़ की लाइफ स्टाइल के अनुसार ही पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ये देखिए काफ़ी गहरी रात हो चुकी है और ठंड भी काफ़ी पड़ चुका है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।